एक गांव में दो मित्र राहुल और मोदी रहते थे। राहुल बहुत धार्मिक था और भगवान में बहुत विश्वास करता था। वो हमेशा पूजा पाठ करता रहता था, जबकि मोदी काफी मेहनती था। वो कभी भी मेहनत करने से नहीं डरता था। उनके पास कोई काम नहीं था। दोनों ने थोड़े पैसे जोड़कर एक दिन जब पैसा जमा हो गया तो एक बार दोनों ने मिलकर एक साहूकार से एक बीघा जमीन खरीदी, जिसमें वह बहुत फसल उगा कर पैसा कमाना चाहते थे और अपना घर बनाना चाहते थे। मोदी तो खेत में रात दिन बहुत मेहनत करता रहता था, लेकिन राहुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई और फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छी फसल की वजह से अच्छा पैसा मिला। घर आकर मोदी ने राहुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर राहुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है और भगवान की इच्छा से ही फसल अच्छी हुई है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों को कोई हल नहीं मिला। तब दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया उन दोनों की सारी बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गए और फिर मुखिया जी ने उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया जी ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, और जब कल तुम दोनों इनको अलग करके लाओगे तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मोदी ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। राहुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की हे भगवान, मैंने हमेशा तेरी पूजा की है, जल्दी से चावल और कंकड़ अलग कर दो भगवान। अगले दिन सुबह मोदी जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास पहुंच गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुए। थोड़ी देर बाद राहुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने राहुल से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। राहुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल जरूर साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने राहुल से कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद राहुल भी मोदी की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान पर भरोसा तो करना चाहिए, पर मेहनत भी उतनी ही करना चाहिए। भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी है पड़ेगी। भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो भगवान आपका काम आकर नहीं करेंगे, वो तो आपको ही करना पड़ेगा।